नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो पहले तो दोस्तों मैं माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि ड्यू टू फीवर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी। काफी समय से मैं बीमार चल रही थी। अभी मैं कुछ अच्छा फील कर रही हूँ अपनी हेल्थ की तरफ से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ कि एक्चुअली हम लोग डिफेंस पर्सन है, तो हमें आफ्टर 3 और 4 ईयर के बाद हमें अपना सिटी चेंज करना पड़ता है। तो हम जैसे ही हमारा सिटी चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जो हमें जो रहने के लिए घर मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें कुछ क्वार्टर्स में कुछ ऐसा होता है कि कॉकरोचेस, बग्स, कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। सो मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, वहां भी ढेर सारे हैं। तो मैंने कितने हिट्स वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। आफ्टर 7 डेज में या 10 डेज में वो फिर से वापस आ जाते थे और मेरे घर को गंदा करते थे। और मेरे पास एक अपनी पुरानी रेसिपी थी जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती थी, तो यहां मैं अपनी बीमारी की वजह से उसको नहीं आजमाई। तो सो आज मैं आजमाऊंगी और उसको आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो बनाती हूं मैं आज आप सबके साथ मिलके कॉकरोच को भगाने की मेडिसिन की। उसको उसको बना के हम कैसे जो घर में से ही चीजें निकाल के उसको बना सकते हैं और कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं हम लोग कॉकरोच को भगाने की दवा। हाँ तो दोस्तों, जो हम कॉकरोच भगाने की दवाई बनाएंगे, उसके लिए यूज करना है हमें दूध, बोरिक पाउडर एंड शुगर एंड आटा, जो हम रोज जिसका हम रोटी पकाते हैं, जो व्हीट फ्लोर होता है वो बोरिक पाउडर, ये वाला मैंने एक बड़ा डिब्बा यूज लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इसका बहुत यूज होता है और भी कई सारी मेडिसिन इससे बनाती रहती हूँ। और जैसे कि मैंने डेंड्रफ वाला वीडियो पहले डाला हुआ था, उसमें तो यूज करती हूँ, और भी मैं बोरिक पाउडर काफी यूज करती हूँ। धीरे धीरे करके जैसे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, तो मैं आप सबके साथ इसके वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बनाते हैं हम इसकी कॉकरोच को भगाने की दवाई की, हम कैसे इसको बनाए। तो कॉकरोच को भगाने के लिए मैंने पहले इसमें दूध डाला है। दूध को हमने ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ इसमें शुगर मेल्ट करनी है। तो इसमें हमारी शुगर 2 चम्मच होनी चाहिए, शुगर ज्यादा होनी चाहिए। एंड बोरिक पाउडर मैंने 3 चम्मच के करीब लिया है, ये मेरे स्पून का मैंने इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास स्पून हो उसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें यूज किया है, मुझे ज्यादा इसको गर्म नहीं करना है, बस इसमें हल्की सी शुगर मेल्ट करनी है, बस मेरा इतना ही काम था। तो इसको हल्का सा गर्म कर दिया है मैंने। अब तो बिल्कुल भी मिक्स करने की जरूरत नहीं ज्यादा, हमने बस इसके मेडिसिन बनानी है और अपना शुरू करना है बनाना। अब मैंने इसमें बोरिक पाउडर डाल दिया, उसको मिक्स करना है। एंड साथ में इसमें मैं डालूंगी आटा। आटे का यूज हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे, क्योंकि हमारी जो इसकी जो बॉल्स बनेंगी, अगर हमें आटा पतला लगा तो हम आटा और भी मिला सकते हैं। वैसे मैंने आटा 1/2 कटोरी से ज्यादा ही लिया हुआ है, तो मुझे लगता मेरा इसी में हो जाएगा, या मुझे और भी ऐड करना पड़ सकता है। जो लम्स हैं वो नहीं रहने चाहिए इसमें, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर देना बोरिक पाउडर हमने, क्योंकि बोरिक पाउडर जल्दी से इसमें मिक्स नहीं होता है, तो हमने बहुत स्लो प्रोसेस में इसको करना है। तो आटा दोस्तों मैंने 1/2 चम्मच मैंने कितनी भी इसमें और मिलाया, क्योंकि मेरा जो आटा था काफी पतला था। तो अभी मैंने इसको निकाल लिया है, इसका हमने दूध में ही आटा गूंदना है। दूध, चीनी, बोरिक पाउडर और आटा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे हाथ में जो आटा गीला गीला रहता है तो वो चिपक जाता है। मैंने इसको ज्यादा हार्ड नहीं गूंदा है, आप भी इसको हार्ड ना बनाएं, ज्यादा सॉफ्ट ही बनाएं, ताकि हमारी बॉल्स वहीं इजिली बनती रहे। तो देखिए ये आटा दोस्तों हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। आटे के हमने ऐसे छोटे छोटे बॉल बनाने, ऐसे ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना के हमने रख देनी है। कोई वो नहीं है कि हमारी गोलियों का साइज इक्वल होना चाहिए, जैसा भी हो हमें बस इसकी एक बॉल्स बना के रेडी करनी है। तो दोस्तों ये देखिए मेरे बॉल्स बनके पूरे रेडी हैं। थोड़ा सा इसमें ड्राई आटा जो मैंने डाला था वही बचा है और कुछ नहीं है। तो आइए दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है मैं बताती हूँ। मैं यहां से जैसे बॉल्स बहुत सॉफ्ट हैं, तो ये देखिए यहाँ कॉकरोच के छोटे से घर बना रखे हैं, यहाँ पे उसके एग्स भी बने हुए हैं।
तो यहां पे आपने इसको ऐसे से लगा देना है। यहां यहां आपको इनके वो एक्स दिखाई देते हैं, वहां पे इन आपने अप्लाई कर देना, छोटे छोटे घरों में इसके उसके आगे लगा दें। अगर आप ऐसे अप्लाई नहीं भी करते हैं तो भी आप अगर बॉल बना के रख देंगे तो भी ये मेडिसिन असर करेगी। ये आपको लगता होगा कि ऐसे लगाने से घर हमारा गंदा लगेगा, नहीं, कुछ दिनों में ये ड्राई होकर खुद से छूट जाएंगे, तब तक जो कॉकरोच है वो अपना इसको खा जाएंगे और इनके जो आगे जो बच्चे पनपते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मैं यहाँ छोटे छोटे शेद दिखाई दे रही हूँ, वहां उसमें फिल कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे कॉकरोच तो खैर किसी को पसंद नहीं है, मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, कि मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसे किचन में घुसो, हर चीज को पहले क्लीन करो फिर काम करो फिर कुछ पकाओ फिर कुछ खाओ, कि एवरी टाइम तो ये सब हो नहीं सकता। एक बार क्लीन किचन किया तो फिर हमें लगता है कि हम भी थोड़ा रेस्ट ले लें, आराम कर लें, लेकिन जो कॉकरोच होते हैं हमारे माइंड को टेंशन फ्री नहीं रहने देते, वो हमारे माइंड में हमेशा एक ही बात रखते हैं कि घर गंदा है, मैं यहां से भी घूम सक वो यहां से भी घूम गया होगा, वहां से भी घूम गया होगा, इस तरीके से दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर आपने इन बॉल्स को अलमीरा के अंदर, जैसे मैंने मान लो कि अलमीरा में बहुत ज्यादा, मेरे तो अभी किचन में है तो मैंने किचन के लिए बनाई है, अलमीरा के अंदर है, तो आपने इसको वन डे ड्राई करना है, वन डे हल्का सा ड्राई करना है, तो अपने कपड़ों के साथ जब ड्राई हो जाएंगे कपड़ों के साथ धीरे धीरे वहां उसने रख देनी साइडों में, चारे कॉर्नर्स में रख देनी, चारों कॉर्नर्स में। और अभी तो मैं इसको ऐसे यहां फेंकूंगी, एक गैस के नीचे रख दूंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ मैंने इसको यहां इधर उधर डाल देना है। और ये बॉल्स अगर पड़ी भी रहेंगी तो बुरी नहीं लगती है क्योंकि ये तो एक मेडिसिन है, एंड आफ्टर 3 मंथ आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये काफी पुरानी हो गई है। मैं तो वैसे इसको, मेरी अगर बन जाती है तो मेरी 6 मंथ से ज्यादा ही चलती है। आपने ऐसे करके बॉल्स को थ्रो कर देना है और ये 6 मंथ से ज्यादा चल सकती है और आपके घर को क्लीन रखेंगी, साफ रखेंगी और कॉकरोच को नहीं आने देंगे। धीरे धीरे कॉकरोच खा के इसको खत्म हो जाएंगे, वो अपने अंडे देने बंद कर देंगे, बल्कि वो खत्म ही हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसको बना के आप टेंशन फ्री हो सकती हैं, आपका घर एकदम साफ सुथरा रहेगा। मेरा किचन मुझे सबसे पहले क्लीन करना है, उसके बाद में बाकी घर की तरफ बाद में होंगी। अगर ये मेरा आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय दोस्तों।